ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रामगंज मंडी पहुंचे हैं। पंचमुखी बालाजी मंदिर में उन्होंने ढोक लगाई। जनता सेवा दल के अन्य क्षेत्र का उद्घाटन किया। दीपावली सम्मेलन समारोह में भी शिरकत कर रहे हैं। कई अहम कार्यक्रम और अहम दौरा रामगंज मंडी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। छत्तीस साल से चल रहा है, निरंतर चल रहा है लगातार। परंतु जो धौन था बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ऐसी स्थिति हो गई थी, इस वजह से इसको हमने किया। यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने हमारा बहुत तन बंधन से व्यापारी बंधुओं ने सहयोग किया। मैं सर्वप्रथम इसके विषय में श्री भामाशाह जी ने हमारा अच्छा सहयोग किया। सर्वप्रथम श्री हितेश भाई शाह जिन्होंने हमें 2 लाख से सहयोग किया। मैं निवेदन करता हूँ कि वह मंच पर पधारने का कष्ट करें। कोटा स्टोन स्मॉल स्टील की एसोसिएशन से 1 लाख हमें मिला है। कोई हमारे सचिव महोदय या अध्यक्ष इसके बाद राधेश्याम जी शर्मा अध्यापक रिटायर्ड महोदय से अखिलेश जी हमारे बता चुके हैं। कोटा स्टोन स्मॉल स्केल एसोसिएशन की तरफ से जो हमें 1 लाख को सही राशि मिली, कौन से निवेदन है एसोसिएशन। कोटा स्टोन से श्री अखिलेश जी वैसा पधारे हैं, उनसे अनुरोध है पधार कर अपना भामाशाह सम्मान प्राप्त करें। कोटा स्टोन एसोसिएशन की तरफ से जो अनुदान मिला है उसके लिए हमारे लिए भामाशाह एसोसिएशन 1 लाख रुपये अनुदान दिया है। श्री राधेश्याम जी शर्मा अध्यापक जो चलने में थोड़ा तकलीफ थी, इसलिए उनके पुत्र पधारे हैं। मैं अनुरोध करूँगी वो अपना सम्मान प्राप्त करें। इन्होंने हमें सर्वप्रथम साहब 2 साल पहले 96,000 दे दिया था अन्य क्षेत्र के लिए। श्रीमती मंजू गुप्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री रमेश जी गुप्ता। चलिए बढ़ते आगे। भरतपुर में शहर की सुभाष